जादुई हिरण की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। वह बहुत भला था। उस जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इससे सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन महाराज शेर जंगल में घूम रहा था, तब एक हिरण सामने आकर डर के भाग रहा था। शेर ने भी उस हिरण के पीछे पड़ा और रोक लिया। कौन हो तुम, इधर क्यों आए? वो महाराज, मैं अब तक दूसरी जगह पर रहती थी, कल ही घूम के इधर आ गई। इधर मेरा कोई नहीं, इसीलिए तड़प तड़प के जी रही हूँ। आपको देखते ही कहीं आपका आहार न बन जाओ करके डर के भाग रही थी। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। यह बातें सुनकर शेर हंसकर कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जंगल में चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा, सब एक समान है, एक दूसरे का शिकार नहीं करते। यह बात ना जानते हुए मुझे देख डर से भाग पड़ी। बाकी सारे जानवरों को बुलाकर सबको उस हिरण से परिचय किया। सब हिरण से तुरंत घुल मिल गए। मैं कितनी सौभाग्य वाली हूँ, मुझे ऐसे मित्र मिलने से बहुत खुशी हुई। मेरे लोगों से दूर आने से अब कोई गम नहीं, बोल के खूब खुशी हुई। तब से बाकी सारे जानवरों से हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रात खरगोश गायब हो गया। उसके लिए बाकी सारे ढूंढने पर भी नहीं दिखी। खरगोश कहाँ चला गया? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तुम सब डरो मत, कोई छोटी सी काम से बाजू वाले जंगल में गई होगी। तुम लोग आराम से अपने अपने काम कर लो, जाओ। तब से हर रात को एक एक जानवर गायब हो रहा था। हमारे जंगल में कोई दुष्ट शक्ति ने प्रवेश किया। रात को कोई भी बाहर मत आना, अपने अपने स्थानों में ही सुरक्षित रहिए। शेर ने चेतावनी दी। फिर भी बुद्धिमान बंदर तो उस पूरी रात जाके वो कौन है पता लगाने के लिए पेड़ पर ही बैठ के रखवाली किया। कुछ देर बाद उस जंगल में नई आई हुई हिरन अकेला ही घूम रहा था। यह देख बंदर उसके पीछे धीरे से गया। वो हिरन ने एक सियार को बहलाकर नदी के पास के उसके स्थान पर ले आया। फिर भूत की तरह रूप बदल के उस सियार को खा गया। ये सब पेड़ के पीछे छुप के बंदर देख रहा था। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है? तुरंत जाके पूरी बात बंदर ने महाराज को बताया। हमारे मित्रों को गायब करने वाली जादुई हिरन है, उसको अच्छे से सबक देंगे। इसके लिए हमारा बल काफी नहीं होगा। सब मिलके हमारे वन देवी से प्रार्थना करते हैं। अगले सुबह ही सारे जानवर जाके उनकी परेशानी वन देवी को कहा। वन देवी ने शिक्षक के रूप में शेर में प्रवेश किया। उस दिन रात फिर आहार के लिए हिरन ने शिकार प्रारंभ किया। उसको शेर अकेला मिलने से आहा, अरे कितना आहार, बोलकर उस पर खोदी। दैव शक्ति से शेर ने उसके पंजे लड़ाकर उस जादुई हिरन को मार दिया। उसके बाद से जंगल में सारे जानवर आराम से जीने लगे। इस कहानी की सीख है कि दैव शक्ति के आगे दुष्ट शक्ति को झुकना ही पड़ता है। लालची शेर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। आज शेर को बहुत भूख लगा था। वह पहले पास के नदी में पानी पीकर खाने के लिए शिकार प्रारंभ करने की सोच रहा था। गुफा से बाहर निकलकर पानी पीने के लिए नदी के पास गया। नदी में पानी पीने के बाद खाना ढूंढ रहा था, तब अचानक उसे दूर से एक ध्वनि सुनाई दी। तभी एक खरगोश उस घने घास से बाहर निकला। शेर को देखकर खरगोश बहुत डर गया।
उससे दूर भागते हुए बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन शेर ने तो उस खरगोश को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। बेचारा खरगोश शेर के चंगुल में फंस गया। ये छोटी सी खरगोश मेरा भूख नहीं मिटा पाएगी। फिर भी खरगोश को खाने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक हिरन दिखाई देती है। शेर लालची होकर ऐसा सोचता है कि ये छोटी सी खरगोश को खाने के बदले में वो बड़ा जानवर खाना अच्छा है। सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गए। उस हिरन को देखने से अब इस खरगोश को खाने का मन नहीं था, तो तुरंत खरगोश को छोड़कर शेर हिरन के पीछे पड़ गया। यह देखकर खरगोश बार बार बच गया, सोचकर भागने लगी। शेर हिरन के पीछे तेजी से भाग रहा था, तो होशियार हिरन उससे भी तेजी से भागने लगी। हिरन को शेर लपकना चाहकर बहुत ही मेहनत करने पर भी वह उसके आंखों के सामने गायब हो गया। आखिर में शेर के लालच की वजह से हिरन तो क्या, उस खरगोश तक को भी पकड़ नहीं पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि वह पेड़ के दोनों पक्षियों से अच्छा तो हाथ के एक पक्षी की कीमत बहुत है। दो चूहे की कहानी। एक जंगल में दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर कुछ समय बीतने के बाद एक चूहा तो वही था, दूसरा चूहा उनके रिश्तेदार के शहर में रहने गया। ऐसे समय ने उन दोनों को अलग कर दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शहर के चूहा मेहमान बनकर जंगल आया। कि मित्र को देख जंगल का चूहा बहुत खुश हुआ। हे यार, तुम्हें देखे हुए कितने समय बीत गया। तुम जब से गए तब से तुम्हारे याद करके तुम्हारी राह देख रहा था। मेहमान नवाजी करके पूरी जंगल में उसे घुमाया। फिर उसके घर ले जाकर उसको खाने के लिए कुछ फल, जंगल में मिलने वाले खाने के चीजें देकर अच्छे से मेहमान नवाजी करती है। अरे क्या, तुम अभी भी ये सब खा के जी रहे हो? फल पके हुए हैं, क्या खाना ताजी नहीं है? बदबूदार और सड़े तो नहीं है ना? ची ची, ना, मेरी बात सुनो और मेरे साथ शहर चलो। उधर आज दावत का भोजन कर सकोगे। कब तक इसे गरीबी में जीवन बिताओगे? यह बातें सुनकर उस जंगल के चूहे को शहर जाने की इच्छा जागी और उसके साथ ही निकल पड़ा। दोनों चूहे सफर करके शहर पहुंच गए। शहर का चूहा गर्व के साथ उसके रसोई घर में ले गया। घर वालों के पकवानों का भोग देखते ही जंगल के चूहा खुशी से उछल पड़ा। तरह तरह के ताजे फल, ब्रेड, एक तो क्या अनेक प्रकार के थे। तुमने सच कहा मेरी यार, यह सब देख के मुंह में पानी आ गया। इतने प्रकार के तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। पहले खाना कहाँ से शुरू करूँ करके चारों ओर देख रहा था। चूहे खाने खाने के समय पर अचानक एक भयंकर शोर सुनाई दी। वो शोर कैसा? घर के कुत्ते आ रहे हैं, जल्दी छुपो, बोलकर शहर के चूहा एक बिल में घुस गया। उसके पीछे पीछे जंगल का चूहा घुस गया। और कितने देर? वह इसे ही आते रहेंगे। वे देखने से पहले हम जितना चाहे उतना खाना लाकर इस बिल में रख कर आराम से खा सकते हैं। यह सुनकर जंगल की चूहा डर के दावत का भोजन करने से अच्छा तो शांति से जो है वही खाना, फिर तुरंत जंगल की ओर लौट गया। इस कहानी की नीति यह है कि भागकर दूध पीने से अच्छा तो खड़े होकर पानी पीना है। बेवकूफ पंडित। एक गांव में एक पंडित था, वह बहुत बोला है। उसे सभी गांव वाले बेवकूफ पंडित बोल के मजाक करते थे। वो सभी मजाक करने से पंडित को बुरा लगती थी। कैसे भी वो बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत अकलमंद है करके दिखाना चाहता था। तब शहर जाके कोई सस्ता चीज खरीद कर गांव लाकर सारे गांव वालों को बताना चाहता था। एक दिन शहर में जाते एक बकरी को सस्ते में खरीद कर गांव आते समय तीन चोर ने देख लिया। ए भाई, देखो ये पागल पंडित कुछ ला रहा है। दूसरे ने कहा, वो छोटी बकरी है। ये पंडित बहुत बोला है,
वो हमको मालूम है मगर हम उसको नहीं मालूम। उस बकरी को चोरी करना आसान है। तीसरे चोर ने कहा, उस बकरी को कैसे भी पाने के लिए एक योजना बनाए। उस पंडित को बिना दिखे तीन जगह जाकर तीन लोग खड़े हो गए। पहले चोर पंडित उसके पास आते ही देखकर कहा, पंडित जी इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? पूछा। बेवकूफ, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। बकरी को देखकर कुत्ता क्यों बोल रहे हो? बोल के आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरा चोर वहाँ आया और आदर से नमस्कार किया। कहा, पंडित जी दिखने में आप बहुत बड़े दिख रहे हो मगर इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो? पंडित चौंक गया। बकरी को कंधे से उतार कर देखा। यह कुत्ता नहीं बकरी है। ये दोनों को ये कुत्ता क्यों लगता है? सोचने लगा। सोचते सोचते बकरी को कंधे में डालकर रास्ते में जाने लगा। थोड़ी दूर के बाद तीसरा चोर सामने आ गया और कहा, अपचार अपचार, इस गंदे कुत्ते को आप क्यों उठा रहे हो? आप अशुद्ध हो जाएंगे। कहकर आगे बढ़ गया वो चोर। इतने लोग ये बकरी नहीं कुत्ता है कह रहे हैं, मतलब ये सच में कुत्ता ही होगा। ये सोचकर पंडित बकरी को छोड़कर स्नान करने घर की तरफ चले गए। बाद में तीनों चोर खुशी से बकरी को ले गए। इसीलिए बड़े कहते हैं, बेवकूफ सभी को मजाक लगती।